हम सबको पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है, कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उस कानून में सिर्फ एक संशोधन है। ये संशोधन, ये अमेंडमेंट क्या है? हमने बदलाव ये किया है कि भारत की नागरिकता लेने की सहूलियत और बढ़ा दी है। ये सहूलियत किसके लिए बढ़ाई है? उन लोगों के लिए जिन पर बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जीना मुश्किल हो गया, बहन बेटियों की इज्जत असुरक्षित हो गई, जीवन जीना ही एक सवाल या निशान बन गया, अनेक संकटों से ये जीवन ही घिर गया। साथियों, स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि ऐसे शरणार्थियों को हमने मरने के लिए वापस भेजना चाहिए क्या? भेजना चाहिए क्या? क्या हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? उनको हमें बराबरी में हमारा नागरिक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अगर वो कानून के साथ, बंधनों के साथ रहता है, सुख चैन की जिंदगी जोता है, तो हमें संतोष होगा कि नहीं होगा? ये काम पवित्र है कि नहीं है? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? औरों की भलाई के लिए काम करना अच्छा है कि बुरा है? अगर मोदी जी ये करते हैं तो आपका साथ है ना? आपका साथ है ना? हाथ ऊपर उठा करके बताइए, साथ है ना? हाथ ऊपर उठा करके बताइए, साथ है ना?